मेरे हिसाब से एवरी ईयर डब्बू कैलेंडर इज वन ऑफ द स्पेशल थिंग्स दैट बिगिन द ईयर. और इस साल भी आई थिंक वी मैनेज अ गुड शॉट, आई एम हैप्पी विद माई शॉट. एंड मैंने जो बाकी के जो तस्वीरें हैं वी सॉ दैट एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स. डब्बू एक्चुअली मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम साथ साथ बड़े हुए हैं. आई रियली लव हिज वर्क. मोर देन दैट उनकी नेचर बहुत ही प्यारे और एक आर्टिस्ट को कंफर्टेबल करने वाले फोटोग्राफर हैं. सलमान का बहुत अच्छा, लुकिंग वेरी हैंडसम. ऋतिक की बॉडी तो माशाल्लाह. एंड प्रियंका चोपड़ा के तो तीन तीन फोटो है, सो आई लाइक दैट द बेस्ट. अब तक कैलेंडर देखा नहीं है. कैलेंडर का लॉन्च है, 13th एडिशन है मेरे ख्याल से कैलेंडर की, तो जरूर हमेशा खास बात इस बार भी खास होगा. हर साल की तरह आई थिंक इस साल भी बहुत ही धमाकेदार होगा. एंड जिस तरीके से डब्बू सब स्टार्स को कैप्चर करते हैं, इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी. एंड वही मैं देखने आई हूँ उससे कि ना एवरी टाइम डब्बू सरप्राइजेस यू विद द काइंड ऑफ वर्क ही डज. एंड every time we look forward to seeing some great work and I'm keeping my fingers crossed. I'm really excited to see what he has shot. industry ke premier photographer hain, itne saalon se itna itni behtareen kaam kar rahe hain, to unko support karne aaya. well as we all know that Dabu is a very creative man aur mere kai albums ke photograph cover page jo hai wo Dabu ne shoot kiye hain. main unko naye saal ki shubhkamnaen deta hu. और ये 100% कह सकता हूँ कि अब के साल का कैलेंडर जो है वो पिछले साल से भी ज़्यादा बेहतर होगा. आई थिंक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. द फर्स्ट टाइम आई हैव अ बेयर बॉडी शॉट इन वन ऑफ हिज कैलेंडर्स. एक्चुअली सेकंड टाइम आई हैड इट वंस बिफोर ऑन अ बाइक. बट या सो बट इफ ही वांटेड मी इफ वी वांटेड इट लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ बर्ड. बुक का कैलेंडर जो है हमेशा सेलिब्रिटी से भरा हुआ होता है और उनको अलग अलग ग्रुप में प्रस्तुत किया जाता है. वेरी ग्लैमरस, वेरी आर्टिस्टिकली शॉट. डब्बू के साथ मैंने बहुत पहले शूटिंग की हुई थी, तो ही इनवाइटेड मी फॉर द कैलेंडर, सो आई एम जस्ट हियर टू सी व्हाट ही इज डन. ऋतिक रोशन की बहुत अच्छी फोटोग्राफी, बॉडी जबरदस्त लग रही है. इस बार जैसे कि पिछले दो बार मैंने शूट किए हैं, इस बार तो हैट्रिक है मेरा. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रियली ग्लैमरस कैलेंडर. वो वाज जस्ट ग्रेट वर्क एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. ही इज माय स्कूल फ्रेंड, वी वेंट स्कूल टुगेदर एंड आई रियली थिंक डब्बू डज एक्सेप्शनल वर्क. ही मेक्स ऑल ऑफ अस लुक वेरी गुड. डब्बू हमेशा अपने कैलेंडर में कुछ खास अनयूजुअल चीज पेश करता है. इस बार मैं क्यूरियस हूँ देखने के लिए कि डब्बू ऐसा क्या अपने कैलेंडर में करने वाला है. डब्बू रद्वानी बहुत अच्छी फोटो लेते हैं, हम बचपन से उनको जानते हैं जब से मुंबई में यहाँ पर हैं. और आई थिंक उनका जो कैलेंडर है, उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं, दे ऑलवेज फैंटास्टिक. यूनिक जो होती है किसी एक में वो पकड़ता रहो, उस एक्टर की एक कुछ खासियत होगी, यूनिकनेस होगी जो दूसरों से अलग होगी, वो पकड़ता रहो. अर्जुन रामपाल की फ़ोटो बहुत अच्छी है क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट है और डब्बू ने बहुत अच्छी तरह से उसको शूट किया है. मैं ऑलमोस्ट हर साल रही हूँ डब्बू के कैलेंडर में और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वो हर साल मुझे अपने कैलेंडर में इंक्लूड करते हैं. तो यहाँ पे उनको विश करने के लिए मेरे को ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो अपनी तरफ से एक बहुत कूल ब्लैक एंड वाइट फोटो करने की कोशिश की. आई थिंक ऑल द फोटोग्राफ्स आर रियली नाइस. डब्बू हैज़ दिस गिफ्ट ऑफ मेकिंग एवरी वन लुक रियली रियली नाइस, तो मुझे लगता है सारे ही फोटोग्राफ बहुत है. सभी की फ़ोटोज़ बहुत अच्छी लगी, पर बच्चन साहब का सबसे ज़्यादा कूल लगा मुझे. And everyone else is looking stunning. I think it's one of Dabu's best calendars. मैं डब्बू को मिलने आया हूँ खासकर क्योंकि मेरे वीडियो के सारे पिक्चर्स उसी ने किए हैं और मुझे बहुत खूबसूरत बनाया. आई थिंक डब्बू इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फोटोग्राफर्स एंड वी हैव शॉट फॉर अ कैंपेन सम टाइम बैक एंड आई थिंक ऑल ऑफ देम दे लुकिंग लाइक वंस लाइक बिग स्टार्स.